सुनिए स्टेशन मास्टर, कहिए। 3F से एक लड़की उतरने वाली थी, उसे मेरा इंतजार करना था। यहाँ कोई वेटिंग रूम है क्या? जी नहीं, ये तो छोटा सा स्टेशन है, यहाँ बहुत कम लोग उतरते हैं। आप बाहर से टांगे वाले से पूछ लीजिए, अगर आई होगी तो मालूम। थैंक यू। अरे भाई, तुम लोगों ने किसी लड़की को देखा यहाँ से जाते हुए? बाबू हम बतावा था, के ढूंढा था। एक लड़की को पीली साड़ी पहने हुए, बिल्कुल परी सी। हाँ हाँ। अरे आ भाई, तो हम अपन टांगा पर छोड़ ले है। जरा जल्दी चलो। चला चला, बाकी 2 रुपया ले। हाँ, ली है तो मनवा करी। अरे भैया जरा जल्दी चलाना। हाँ चलो सही बाबू। हाँ चल बेटा टार्जन। बड़ा प्रेम है तोरा के साथ बाबू, टेम नहीं पास होता का। हम पापत के मारा है, यही लिए लोग हमें कलुआ फरार कहते हैं। अरे भाई यहाँ से कितनी दूर है? बस 2 ही कदम रह गए बाबू, जरा सबर से बैठ। हाँ चल। हाँ हाँ चल। बस रुक जा बाबू, वो यहाँ उतर के एहर गैलिन है। यहाँ कहाँ जा सकती है? वो तो नहीं बता के गैलिन है। यहाँ कोई मकान वकान है क्या? जब गैलिन है तो कोई मकान हो ही वे करी। हाँ ला बाबू, हमार मजदूरी दे दो, बड़ा टेम हो गई बा। तू तो हमार सासू के ना ही जाना था, एकदम फौजदानी है फौजदानी। हाँ सलाम बाबू। हाँ चल बेटा। हाँ हाँ चल। आज तो ऐसा ऐसा सवारी मिलल कि तबियत मस्त हो गई। पहले लैला के पहुंचा आयी, ओके बाद मजनूओ ढूंढा ढूंढा हमार टांगा पर आ गई, ओहू के वहां छोड़ आयी। का पता हो के लैला मिलल कि नहीं मिलल, हम तो छोड़ आयी। बाकी दोनों में प्रेम बड़ा बा। हाँ खबरदार, जब प्रेम मोहब्बत का बार फिर कभी कह ले तो तोर मुंह फूंक दे। बेशरम कहेगा तो क्या मालूम ना, घर में जवान बेटी बैठा ला। अरे माई रे माई, हमार दलिया दल के कोयला हो गई। कलवा तू? हाँ कलवा। बोल कलवा। कहा कलवा कलवा खाली कर, कुछ बोल तो सही। तू माई से कहा कहत रहले गांव में कौनो प्रेमी आयल हुआ? हाँ। कलवा छमिया, प्रेमी कैसन होलन रे? कैसन होलन? तू कभी कानों का प्रेम करके ना ही देख लो का? देख ले ही, लेकिन सपना मा। सपना मा? जेके देख लो वो कैसन रह? सरों की पीर जैसा लंबा गठीला बदन, चंद्रमा जैसा सूरत, आम के फाग जैसा आंख। अब तू बता, तू जी के पहुंचा के आवत हुए वो कैसन रहल? जैसन तू सपना में देख लो वैसे ही रसिया वाला। सच? हाँ हमार कसम। तुहार कसम। ये फूल हमके लिए आयल हुए? हाँ। लगा दे। हाँ, लगा दे। किसने मुझे सदा दी, किसने मुझे पुकारा? आवाज देने वाले आवाज दे दोबारा।
हिम्मत जरा दिखाओ, दीवाना हो न जाऊं, इतना भी न सताओ। कब तक छुपे रहोगे, अब सामने तो आओ। ये बेरुखी तुम्हारी मुझको नहीं गवारा, आवाज देने वाले आवाज दे दोबारा। देर में तो हजार मौत मर चुका हूँ। कौन हो तुम? छमिया। यहाँ क्यों आई हो? तो के देखे मुझे। तू प्रेमी है ना? हम कबहू प्रेमी ना देखे रहे। जाओ यहाँ से, चल जाओ। काम तो ही नहीं मिले बाबू। वो कौन? वो है जेके तू खोजे आई है, हमका कलवा सब बतौले। अरे वो तांगा वाला, तू फिक्र ना कर बाबू, हमका खोज निकालो। चला आज रात हमरा झुपड़िया में चल के आराम करा, हम सवेरे ओका खोजे चलो। हाँ चला। कलवा, अरे वो कलवा कौन? छमिया तू? हाँ कलवा। हम जानत रहली एक दिन हवा लिए तो आज मन में प्रेम फड़क उठी, तो आज फड़क उठल। हाँ री, देख हमार करेजा के तन धक धक करत है। धक धक करत है तो का करी, डॉक्टर बुलाए? चल कुंजी निकाल, बाहर वाली कोठरिया खोल। अरे मुंह का देखा था, बत्ती उठा। बत्ती चल हट बुद्धू, तो से खुलता हुआ। बोल अब क्या करी? बत्ती रख। रख दे ली, अब क्या करे? खिड़की खोल। बिस्तर बिछा, अब सब समझ गई।
बोल अब का करी अब तनी बहरे जाए बहरे जाए आजा बाबू खोजे चलो अच्छा अब हम जाते का फैले रे एकर का मतलब केकर का मतलब ये आदमी के का मतलब ये आदमी के का मतलब हाँ अरे अपना गांव में आयल हो परदेसी हो कोनो ठा ठिकाना नहीं है और का मतलब तोहार का मतलब हमारे मतलब ये है कि यहाँ नहीं रही काहे नहीं रही तू का कर ले हम का कर ले बताई डंडा से ओकर खोपड़िया रंग देब और ओकर खामान ले जाके नदी में फेंक आप समझ लू आए हाय जरा देखी ता हाँ दिखावा खाई ए बाबू क्या है तरु की पीर जैसा लंबा गठीला बदन चंद्रमा जैसा सूरज आम के भाग जैसा आग कोनो जरूरत पड़े तो बुला लिया हम बाहर ही हैं बाबू कहू तुहे नहीं मिलल नहीं लो खाना खा लो कहाँ जाते बाबू मालूम नहीं मगर अब ये जिंदगी उसी की तलाश में खत्म होगी ऐसे कहाँ कहाँ भटकबा बाबू एक हमार बात सुनो ई गांव में एक देवी का मंदिर है जहाँ हर साल चैत के पूर्णमासी के रोज दूर दूर के गांव से लोग अपने प्रेमी के वियोग में प्रेम का भिक्षा मांगे आवे हैं अब देवी कोई की भी निराश ना कर बाबू तू पूर्णमासी तक रुक जा हम देवी से तोहरे बदेव की मांगा देवी जरूर हमार प्रार्थना सुने वो तुम्हें जरूर मिल जाए बाबू तू कल तक यहाँ रुक जा तोहर हाथ जोड़ते बाबू और पकड़ते Yala, 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 yala
आपको देखकर मुझे किसी और का धोखा हो गया था। मैं आपको अपनी पिता समझ बैठा था। मुझे माफ कर दीजिए। हमारे यहाँ प्यार की माफी नहीं होती है। आपने जुर्म किया है, सजा जरूर मिली। आप क्यों मेरे प्यार की हंसी उड़ा रही हैं? आप भूल कर रहे हैं। मैं प्यार की हंसी नहीं उड़ाती। मैं तो प्यार की पूजा करती हूँ। अब चलिए, आपको आराम की जरूरत है। गीता, मैं तुम्हारे बगैर एक पल के लिए भी जी नहीं सकता। मेरे पास आओ गीता, मेरे पास आओ गीता, कहाँ हो तुम? बाबू, तुम्हें गीता का कुछ खास ठिकाना है? वो तो तुझे कहाँ मिलेंगे? कब मिलेंगे बाबू? कुछ नहीं पता। बाबू, लेकिन मेरी नजरों ने तड़प कर मेरे बचपन के पिछड़े हुए साथी को ढूंढ लिया। मेरा सबसे चहीता साथी, मेरा पियानो, जिसके लहकते हुए संगीत के साथ मेरा बचपन हंसता गाता गुजरा था।
सामने की हवेली में खूब रौनक थी। आतिशबाजियां, आसमान पर रंगा रंग के तारे बिखेर रही थी। रही हो, प्रिंस के आने का वक्त हो गया। देवी जी कह रही है, मैं भी कम भी कर रही हूँ। कह दो कि सिर्फ 5 मिनट के लिए आ रहा है प्रिंस, ठीक 7:30 बजे चला जाएगा वो, जरा जल्दी करो। तैयार हुई? बस तैयारी है, सिर्फ तैयारी कर रही। प्रिंस के आने में सिर्फ 3 मिनट बाकी रहे, तुम खुद जाकर उसे तैयार करो। तुम नहीं जानते वो बिल्कुल अपनी माँ पर पड़ी है। प्रिंस आकर चला भी जाएगा और वो तैयारी होती रहेगा। प्रिंस आ गया, अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा, मैं अभी लाता हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो? मेरी मुलाकात नहीं है, प्रिंस से इंट्रोड्यूस तो कराओ। और देखो घबराहट में भूल मत जाना, मेरे सब टाइटल बताओ। तुम फिक्र न करो। और आप हमारे दोस्त राय बहादुर जगमेर सिंह चौहान, WCGIPR, PWD, CPCI वगैरह वगैरह। स्टार ऑस्पिटल क्षमता है। योर हाइनेस, मेरे गरीब खाने पर तशरीफ लाकर जो इज्जत आपने मुझे, ये हम घर पे पढ़ लें, मेरे पास सिर्फ 5 मिनट है। आप फरिश्ता प्रिंस हैं, फरिश्ता है, आपसे क्या तकलीफ है? बेटी प्रिंस आ गया है, तुम क्या कर रही हो? देवी जी कह रही है वो आ गए हैं, जैसे कहीं बैठे, वो अभी काजल लगा रही है। वो काजल लगा रही है या मेरे मुंह पे कालिक लगा रही है? कहीं नाराज होकर चला नहीं गया हो? कहाँ फंस गया घर पर? कुछ नोट फरमाए। हम तो आपकी रानी बेटी को मुबारकबाद देने आए, क्या वो यहाँ मौजूद नहीं? जी अभी हाजिर होती। नोट फरमाइए। नोट है जी। ये तो बड़ी अजीब सी बात होगी, आप पहली मरतबा हमारे गरीब खाने पर तशरीफ लाए और नोट न फरमाए। अभी नहीं, अरे भाई मतलब क्या है? वापस कर दूं प्रिंस को? देवी जी कह रही है कर दीजिए। अभी किए देता हूँ, कह दो तैयार होने कोई जरूरत नहीं। सॉरी, अब मेरे लिए रुकना नामुमकिन। मैंने कहा हुजूर।
हारिएगा तो नहीं? तेरी जान की कसम, आज तो तुझे सात खून माफ है बेटी। क्या मैदान मारा है, प्रिंस तो शहीद हो गया है। आई वो अभी तक गए नहीं? अब कहाँ जाएगा, अब तो वो सेहरा बांध कर ही जाएगा बेटी। चल तुझे मुबारकबाद देने के लिए बैठा है, वो खुद ही मुबारकबाद देने आ रहे हैं। ये है मेरी बेटी गीता, आप हैं महाराज कुमार विनोद, मेरी तरफ से ये तोहफा कबूल कीजिए। शुक्रिया, माफ कीजिएगा जब आप आए तो मैं हाजिर नहीं थी। मुझे तो ये खुशी है कि जब आप आई तो मैं हाजिर था। बेटी महाराज कुमार तो सिर्फ 5 मिनट के लिए आए थे, तुम्हारा गाना इतना पसंद आया कि अपने सारे प्रोग्राम कैंसिल कर दिए। बेटी मेहमान की कुछ खातिर तो करो। ओहो आप कहाँ बच्चों के बीच में कूदे पड़ रहे हैं। राय बहादुर साहब बाहर और भी मेहमान हैं। आइए आइए। केक खाइए ना। जरूर खाऊंगा, लेकिन एक शर्त, आपको भी खाना पड़ेगा। जरूर, मैं तो आपके जाने के बाद भी खाऊंगी, मुझे केक बहुत अच्छा लगता है। बहुत खूब, क्या आता है? आप ऐसी बातें कीजिएगा तो फिर मुझे शर्म आ जाएगी, केक तक ना खाया जाएगा। मैं सच कह रहा हूँ। मैं दुनिया भर घूमा, हर मुल्क के हसीन से हसीन लड़की से मिला, लेकिन आज ऐसा लग रहा है जैसे कि जिंदगी भर से मैं आप ही को ढूंढ रहा था। अब तो मुझे वाकई शर्म आ रही है, मैं जाती हूँ। प्लीज अभी नहीं। देखिए फिर आप ऐसी बातें मत किया कीजिए, आपको मालूम नहीं है कोई मेरी जरा सी भी झूठी तारीफ कर देता है ना तो मैं सच समझ लेती हूँ। मैं जरा बुद्धू। आपकी झूठी तारीफ तोड़ तो के शहर भी नहीं कर सकते। फिर वही बात। अच्छा कोई और बात करते हैं। हाँ। ये बताइए आपको बॉलरूम डांस आता है? हाँ ये हुई ना कुछ बात। हाय दिल तो मेरा भी बहुत चाहता है, और एक बार देहरादून कॉलेज में कप भी जीत चुकी हूँ, लेकिन क्या करूँ बाबूजी बिल्कुल पसंद नहीं करते। फिर तो मुश्किल हो जाएगी। क्यों? कल चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का बॉल है, मैं चाहता था कि आप मेरी पार्टनर बने। अरे बड़ा मजा रहेगा। सुनिए आप बाबूजी से कहिए ना, वो तो आपसे काफी धौंस खाते हैं, प्रिंस जो ठहरे आप वो आपकी बात कभी नहीं डालेंगे। अच्छा बेबी जी क्या सोच रही हैं? अरे रोजी ये 7 बजने की आवाज कहाँ से आ रही है? बेबी जी भूत बंगले से, वहाँ लाइट भी जल रही है। वहाँ कोई आया है क्या? हाँ घोस्ट भूत। अरे चल चल नहीं खबरदार वहाँ मत जाइएगा। अब घबराए नहीं, अब घबराए नहीं, मैं क्रॉस बना देती हूँ। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे ये आवाज मैंने कहीं बहुत पहले सुनी है, जैसे कोई मेरे ही दिल का सांस छेड़कर ये आवाज निकाल रहा है। Thank you.
मैंने ख्वाबों में जिसे शाम और सहर देखा है, सोचता हूं तो वही जाने तमन्ना तो नहीं। देख कर हुस्न तेरा मुझको गुमा होता है, मेरी हसरत भरी नजरों का ये धोखा तो नहीं। आ मेरे पास कि मैं दिल में छुपा लूं तुझको, जिंदगी भर के लिए अपना बना लूं तुझको। कौन हो तुम? मैं एक लड़की हूँ। तुम झूठ बोल रही हो। जी नहीं, मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ। सचमुच मैं एक लड़की हूँ। फिर झूठ? तुम जरूर कोई अप्सरा? नहीं नहीं, तुमको धोखा हो रहा है। मैं बहुत खूबसूरत हूँ ना, इसीलिए से मैं लड़की हूँ। आज मेरी सालगिरह भी थी। ठहरो, इधर आओ। जी। इधर आओ। और पास। और। तुम इतनी खूबसूरत क्यों? जी, मैं पैदा ही ऐसी हुई थी, कुछ लगाया वगाया नहीं। मेरी माँ भी बहुत खूबसूरत थी। देखिए मेरा हाथ भी कट गया। देखो। जी नहीं, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम? वो मेरा नाम? की अपना नाम भी भूल गई। रोहित से अभी पूछ के आती हूँ। तुम अपना नाम क्यों छुपा रही हो? मैं छुपा नहीं रही, बहुत घबरा रही हूँ, याद ही नहीं आता। मेरा नाम गीता। और मेरा नाम राजेश। तुम लोगों के भी नाम होते हैं? क्यों? वो रोजी कहती थी कि तुम भूत हो। तुम्हें क्या लगता हूं मैं? अभी कुछ बराबर समझ में नहीं आता, लेकिन तुम बहुत अच्छे हो। अच्छा मैं जाऊं? अब सच्ची कहती हूं, मैं कभी नहीं आऊंगी, कभी नहीं आऊंगी। अब तो रोज मुझे आना पड़ेगा। राजेश बाबू, आप ये ना सोचिएगा कि मैं कुछ दलाली के लिए आपके काम में देर लगाऊंगा। मैं तो वकील साहब को अल्टीमेटम देकर आया हूँ कि विलायत से 15 साल के बाद आप सिर्फ ये जायदाद बेचने के लिए आए हैं, और इसके बिकते ही आप वापस लौट जाएंगे फटाफट। मुंशी जी, इसके बारे में हम फिर बात करेंगे, अब इस काम में इतनी फटाफट ना कीजिएगा। जी, वो तो लेडी बटुआ देखते ही मेरा माथा ठनका था कि मुंशी राधे श्याम शगुन अच्छा नहीं है, दलाली खतरे में है फटाफट। अरे ओ रोजी, मेरे लिए एक ग्लास दूध तो ला।
मान ही नहीं। कितना कहा कि प्लीज मास्टर जी मुझे जरा जल्दी छोड़ दीजिए, लेकिन वो है कि मुझे मैंने कब बनाकर ही छोड़ेंगे। दबाना ऐसे ही बहुत अच्छा लग रहा है। बेबी जी रोजी, अगर भगवान की तरफ से कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए कि किसी तरह से आज मैं बॉल की क्वीन बनाई जाऊं, तो तेरे दिल में जो आरजू है वो पूरी कर दूंगी। थैंक यू जी। आप? जी मैं। ओ, 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 ये क्या कर रही हैं आप? क्या हुआ? पैर जमीन पे न रखिए, मैंने अभी अभी इनकी पूजा की। मैं पूछती हूँ, आपको बाहर किसी ने रोका नहीं? एक बार आपकी इजाजत मिल जाए तो फिर मुझे भगवान भी नहीं रोक सकता। मैं समझी रोजी मेरी नौकरानी थी। मुझे भी अपना गुलाम समझिए और अपनी सालगिरह की खुशी में ये ये तोहफा कबूल कीजिए। इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी? ये तकल्लुफ नहीं, मोहब्बत है। ये आप रखिए। मैडम जरा सुनिए, मैं किसी अजनबी से तोहफा नहीं कबूल कर सकती। मेरी आपकी तो कोई ऐसी राह रस्म भी नहीं है। आप तोहफा कबूल कर लीजिए, राह रस्म मैं कह देता हूँ। नाम तो मेरा आप जानती ही है, राह हमेशा दिल की चलता हूँ। रस्मन सुन लीजिए, संगीत मेरा धर्म है और मैं ऐसा पुजारी हूँ कि मुझे यह भी पता नहीं चलता कि मैं कला को पूज रहा हूँ या कलाकार को। मेरा ईमान ये है कि दुनिया में जहाँ कोई भी कलाकार है वो मेरा है और मैं जन्म जन्म के लिए उसका। आपके पास भी इस वक्त मैं खुद नहीं आया हूँ, मेरी भक्ति आपके पायल की झनकार सुनकर आई है। पूजा तो मैं कर चुका हूँ, अब मेरी मन की आशा पूरी कर दीजिए। ओ मिस्टर बदला भगत, क्या समझ रखा है मुझको आपने? मैं आपके सामने डांस करूंगी, आप मेरी इंसल्ट करते हैं। मिस देवी जी, इंसल्ट आप कर रही हैं अपनी कला की और मेरी भक्ति की, जो मैं कभी नहीं बर्दाश्त करूंगा। क्या कर लेंगे आप? अपनी धुन पर आपको नचाऊंगा। एक बात बताऊं आपको, मैं जरा जिद्दी हूँ। एक बार जिस बात को ना कह दूं वो मरते दम तक ना ही रहती। मैं भी एक बात बताऊं आपको, लड़की जब इतने जोर से ना करती है मैं उसका मतलब हाँ समझता हूँ। मैं सात जन्म नहीं नाचूंगी, बल्कि आपकी जिद पर आज से नाच ही छोड़ दूंगी। जिद बेकार है, संगीत कला में ऐसा जादू होता है, ऐसा जादू होता है कि आसमान के सितारे नाचते हुए उतर आते हैं। और ये चांद तो जमीन पर ही है मेरे सामने। और अगर नहीं नाची तो मैं इस पियानो से सर फोड़कर अपनी जान दे दूंगा। मुझे मंजूर है, लेकिन एक छोटी सी इल्तिजा है। ये पियानो तो जरा कीमती है, आप अपना सर फोड़ें तो इस पत्थर से। हाँ ऑल राइट। साज हो तुम आवाज हूँ मैं, तुम बिना हो मैं हूँ तार। साज हो तुम आवाज हूँ मैं, तुम बिना हो मैं हूँ तार। रोक सको तो रोक लो अपनी पायल की झनकार। साज हो तुम आवाज हूँ मैं, मेरे गीत को गीत न समझो, प्यार की है ये सरगम। मेरे राग के हर एक सुर में घुंघरू बोले चम चम। रोक सको तो रोक लो अपनी
पायल की झनकार, साज हो तुम आवाज हूँ मैं। प्रेम तराना रंग पे आया, रूप ने ली अंगड़ाई, काल पे मन की झांझर छन की, झांझर छन की, झन न झन न झन, सानी दा पमा पा गमा पमा घर सा सा, पानी रे सा पानी रे सा पानी रे सा, काल पे मन की झांझर छन की, पतली कमर बल खाई, कमर बल खाई, बुद्ध खो कर बेखुद हो कर, नाच उठी गुलनार हो, नाच उठी गुलनार, रोक सको तो रोक लो अपनी पायल की झनकार, ताज हो तुम आवाज हूँ मैं, तुम भी ना हो मैं हूँ ता, ताज हो तुम आवाज हूँ मैं। तन मान झूमे गगन को झूमे, प्रीत हुई मतवाली, प्रीत हुई मतवाली, आज मिला जीवन से जीवन, प्यार ने मंजिल पाली, दिल की बाजी जीत के मैंने जीत लिया संसार हो, जीत लिया संसार, रोक सको तो रोक लो अपनी पायल की झनकार, ताज हो तुम आवाज हूँ मैं। बैठिए। और इनकी बेटी मिस गीता। जीती रहो, आओ बेटे हमारे पास बैठो। राजकुमार ने जितनी तारीफ की है हमने तुम्हें उससे बढ़कर पाया है। राय साहब आपको भगवान की देन है। अजी मेरे पास तो अमानत है, देन है भी तो आप ही के लिए है। जी तो चाहता है कि छीन ली। जरूर क्यों गीता, क्या राय है, आओगी हमारे घर? लेडीज एंड जेंटलमैन, अब हमारा डांस का प्रोग्राम शुरू होने वाला है। आज के डांस में सबसे खूबसूरत और बेहतरीन डांस करने वाले जोड़े को किंग और क्वीन बनाया जाएगा, और जिन्हों ने फैसला किया है कि ये डांस मास्क पहनकर किया जाए ताकि किंग और क्वीन का चुनाव पूरे इंसाफ से हो। Thank you.
कुछ नहीं। एक्सक्यूज मी प्लीज। चले गए थे आप? माफ कीजिएगा, मेरे लिए आपको काफी इंतजार करना पड़ा। शायद आपको मालूम नहीं, लेकिन आज मेरी सालगिरह है। जी हाँ, मेरी और आपकी सालगिरह में सिर्फ एक दिन का फर्क है। बस? जी। तो आपने मनाई क्यों नहीं? आपकी इजाजत लेना चाहता था, आप शरीक होंगी? जी हाँ जरूर, क्यों नहीं। कब मनाना चाहते हैं आप? कोई जल्दी नहीं है, मैं रात के 12:30 बजे पैदा हुआ था, उसी वक्त मनाना चाहता हूँ। सिर्फ आप और मैं। और केक? वो भी खाइएगा। क्या मिल गए हैं दोनों। जजों के फैसले के मुताबिक किंग और क्वीन का टाइटल लाल साड़ी पहने हुए जोड़े को दिया गया। प्लीज कम ऑन द प्लेटफॉर्म। किंग और क्वीन से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने अपने चेहरों से मास्क हटाएं। जी झुक रहिए, तालियां हमारे लिए बज रही हैं। और याद रखिए, आज 12:30 बजे हम फिर मिल रहे हैं। Shut up. मुस्कुराते रहिए, लोग हमारी तरफ देख रहे हैं। तूने विनोद से टक्कर ली है, आज की रात तेरी जिंदगी की आखिरी रात होगी। Excuse me, this is for you and for you too. बेबी जी, जी ये सब तेरी वजह से हुआ है, सिर्फ तेरी वजह। इसमें मेरी क्या मिस्टेक है? तूने क्यों कहा था वो भूत है? जब आप भूत समझ कर नहीं दे रही तो शराब। जी खिड़कियाँ क्यों खोल रखी है? सब बंद कर दो और अब कहीं मत खोलना, समझी? अरे ओ जीसस, क्या निशाना है आज, उसकी खैर नहीं मालूम होती मुझको। इसमें तो कुछ लिखा है, फाड़ के फेंक दे रोजी। जरा ख्याल देखूं तो सही। क्या घर की खिड़कियां बंद कर देने से दिल की खिड़कियां बंद हो सकती हैं? अगर आप ना आई तो आज मेरा खून आपकी गर्दन पे होगा। राजेश मक्कार कहीं का। महफिल सजी है चले आइए, दिल की महफिल सजी है चले आइए, आपकी बस कमी है चले आइए, दिल की महफिल सजी है चले आइए। हुस्न वालों का कोई भरोसा नहीं, क्या पता आप आते भी हैं या नहीं। हुस्न वालों का कोई भरोसा नहीं, क्या पता आप आते भी हैं या नहीं।
आंख दर पे लगी है चले आइए, दिल की महफिल सजी है चले आइए, आपकी बस कमी है चले आइए, दिल की महफिल सजी है चले आइए। दिल दुखाने लगी दिल लगी आपकी, मार डालेगी ये बेरुखी आपकी, दिल दुखाने लगी दिल लगी आपकी, मार डालेगी ये बेरुखी आपकी, जान पर बन गई है चले आइए, दिल की महफिल सजी है चले आइए, आपकी बस कमी है चले आइए, दिल की महफिल सजी है चले आइए। क्या सुहाना समा क्या हंसी रात है, वादा करके ना आना बुरी बात है, क्या सुहाना समा क्या हंसी रात है, वादा करके ना आना बुरी बात है, अब तो हद हो चुकी है चले आइए, दिल की महफिल सजी है चले आइए, आपकी बस कमी है चले आइए, दिल की महफिल सजी है चले आइए। होशियार रहिएगा रोजी। ये मर के तो उधर गिरा था ना? हाँ, पर यहाँ कैसे आ गया? भाग भाग! मुर्दे को अकेला नहीं छोड़ते मैडम, प्लीज मत जाइए। मैं घबराहट में भूल गया था मैं कहाँ मरा था, अगर आप चाहती हैं तो मैं फिर वहां जाके मर जाता हूँ। छोड़ दीजिए मुझे, ये मैं समझती थी कि आप मक्कार हैं, लेकिन इतने बड़े मक्कार हैं ये मैं सोच भी नहीं सकती। आहिस्ता, सन्नाटा है, सारे मोहल्ले वाले जमा हो जाएंगे। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आखिर इन बातों से आपका मतलब क्या है? आहिस्ता भी गुसर गुसर ना कीजिए, कोई देखेगा तो समझेगा प्यार और मोहब्बत की बात हो रही है। आप तो रईस हैं, राय बहादुर की बेटी हैं, आपका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। मैं इज्जत वाला आदमी, परदेसी हूँ, मुफ्त में बदनाम हो जाऊंगा। मिस्टर राजेश, तुम क्यों हंस रहे हो? जाओ जाओ, जल्दी डॉक्टर को बुलाओ, जाओ। मैं आज आपसे बहुत सीरियसली बात करना चाहती हूँ। जरूर कीजिए, लेकिन जब आप तकलीफ करके तशरीफ लाई हैं, तो जरा आराम से तशरीफ रखिए मैडम। मैं बिल्कुल तशरीफ नहीं रखूंगी। प्लीज प्लीज। अच्छा लीजिए, रखिए तशरीफ, अब फरमाइए। देखिए, आप इतनी सीरियस हो जाएंगी तो मैं भी सीरियस हो जाऊंगा। मैं चाहती हूँ कि आप सीरियस हो जाए। हो जाऊं? आप वाकई में जानना चाहती हैं? आप सचमुच जानना चाहती हैं कि मैं इस भयानक खंडर में, जहां घुसते हुए चूहे और कॉकरोच के दिन भी लरसते हैं, जहां लोग मुझे भूत समझते हैं, मैं इस जगह बेयारो मददगार क्यों पड़ा हुआ हूं? न सुनिए तो अच्छा है, मेरी तो वो हालत कर दी उस सालिम ने, मेरी रातों की नींद, मेरे दिन का चैन,
सब कुछ लुट गया है। मगर क्यों? मगर क्यों? सिर्फ इस गुनाह पर कि मैंने प्यार किया है। प्यार? जी सीरियस बात कीजिए। आप किसी भूल में न रहिएगा, मैं बहुत सीरियस बात कर रहा हूँ। और मैं तो खैर मर्द हूँ, लेकिन आप लड़की होते हुए भी उस पर आशिक हो जाए अगर आपको एक नजर दिखा दूं। अच्छा, दिखाइए। आप बुरा मान गई। वैसे आप भी अपनी जगह काफी जोरदार है, और कुछ चीजें तो आपके भी लाजवाब, खासकर आपका दाना रो। ऐसा मालूम होता है जैसे बनाने वाले ने फ्लुक में बना दिया। और आपकी आंखें, माशाल्लाह, इन्हीं के लिए तो शायर ने कहा है कि तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। लेकिन उस कातिल जहां की बात ही और है। कौन है वो लड़की? आप देखना चाहती हैं? हाँ। चलिए। ये देखिए, क्या मैं झूठ बोल रहा था? है ना हसी? आईना क्यों ना दूं कि तमाशा कहे जिसे, ऐसा कहां से लाऊं कि गुस्सा कहे जिसे। बदतमीज! तमीज का क्या काम है आज की रात? ये महकती चांदनी, ये सन्नाटा, ये तन्हाई, मेरे मचलते हुए जज्बात, आपका बिखरा हुआ हुस्न, वो इंसान नहीं जो आज बदतमीज ना हो। मुझे कमजोर समझकर किसी भूल में न रहिएगा। मैं अपनी हिफाजत अच्छी तरह कर सकती हूँ, और आज इस बात का फैसला ही करके जाऊँ। सरे तस्लीम खान, जो मिजाज यार में आए कतल भी कर लीजिए, लेकिन एक अर्ज है, पहले मुझे पैदा हो जाने दीजिए। अभी 3 मिनट बाकी है। आप जैसे इंसान पैदा ना हो तो बहुत अच्छा। आप जानते हैं मेरी शादी होने वाली है? किसके साथ? महाराज कुमार विनोद के साथ। ये गलत खबर आपने कहाँ से सुनी? ये गलत खबर नहीं, सच है। महारानी जी ने बाबूजी से खुद बात की है, बाबूजी ने भी इकरार किया है। अजी छोड़िए, ये बातें अगर इंसानों के बस की होती तो लैला और शीरी की औलादों से दुनिया भरी पड़ी होती। ये संबंध तो वो ऊपर वाला बांधता है, और मेरी और आपकी गिरह तो वो हजारों बरस पहले बांध चुका है। आप मेरे सबर का ज्यादा इम्तिहान न लीजिए। सबर का इम्तिहान तो आप ले रही हैं साहब, मैं तो शादी का पैगाम दे रहा हूँ। आप मुझसे शादी के बारे में जरा आराम से सोचिएगा। मैं नहीं चाहता कि आप खुशी और घबराहट में मुझसे हाँ कह दें और बाद में मुझे सारी जिंदगी रोना पड़े। जरा सुनिए, सुनिए तो, सुनिए। आप जरा ठंडे दिल से मेरे बारे में रात को सोचिएगा। गुड नाइट। बेबी जी, आज आप हिम्मत करके राय बहादुर साहब को कह डालिए। क्या कह दूं? सच्ची अच्छी बात कह दीजिए कि आप अपने आप को बहुत रोकती हैं, पर दिल नहीं मानता। अच्छा। और बेबी जी, जोसेफ कहता है कि ट्रू लव में एकदम ऐसा सच होता है। रोजी, विल यू प्लीज गेट आउट? गुड नाइट। गुड नाइट। आप मुझसे शादी के बारे में जरा आराम से सोचिएगा। मैं नहीं चाहता कि आप खुशी और घबराहट में मुझसे हाँ कह दें और बाद में मुझे सारी जिंदगी रोना पड़े। जरा सुनिए, सुनिए तो। आप जरा ठंडे दिल से मेरे बारे में रात को सोचिएगा। गुड नाइट।
इश्क की महफिल हो, तुम हुस्न का जलवा हो, या साज़े मोहब्बत पर छेड़ा हुआ नगमा हो। जलवा हो या साज़े मोहब्बत पर छेड़ा Thank you.
मैं बिल्कुल ठीक हूँ गीता, देखो मुझे कुछ भी नहीं, मैं बिल्कुल ठीक। मत रो गीता, आंसू पोंछ लो। ओ राजेश, ये आंसू नहीं है, मेरी खुशी मेरे दिल में समा नहीं रही है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं खुशी से पागल हो जाऊंगी, पागल हो जाऊंगी। गीता, अगर तुम्हें एक पल के लिए भी देर हो गई होती तो मैं कब का मर गया होता। ऐसा मत कहो, तुम पर मेरी हजार जाने कुर्बान। तुम नहीं जानते आज तक मैं किस तरह अपने आप से, अपने जज्बात से लड़ती रही हूँ राजेश, अपनी मोहब्बत को धोखा देती रही हूँ। लेकिन आज मुझे मालूम हुआ है कि मैं तुम्हारी हूँ, सिर्फ तुम्हारी। मेरा दिल तुम्हारा है, मेरी रूह तुम्हारी। पगली, ये तो मैं उसी दिन जान गया था जब तू मुझे पहली बार मिली थी। याद है वो रात जब तू मुझे भूत समझकर डर गई थी? उसी रात मेरे दिल ने कहा कि यही है वो जिसकी तुझे जन्म जन्म से तलाश है। तुम ठीक कहते हो राजेश, अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता। मैं दुनिया वालों से कह दूंगी कि मैं राजेश से मोहब्बत करती हूँ, मैं सिर्फ राजेश की हूँ। अब दुनिया वालों से कहने की जरूरत नहीं है गीता। देखो, भगवान ने तुम्हारी मांग में मेरे खून से सुहाग का सिंदूर भर दिया है। सुनो गीता, हमारी इस खुशी पर सारा जहां हमें मुबारकबाद दे रहा है। जाने से इनकार कर दें तो फिर हम मिस गीता के घर में मेहमान बनकर रह जाएंगे। मारे ते अंग ने एक बार आवजो आवजो आवजो। औच, बहुत दुखता है हरमोस जी। एम के कोई घबराने की बात तो नहीं? नारे दिखला, कहीं घबराने की बात नहीं। आम चप्पी वगैरह से ठीक थी जैसे। अरे बद्रू जी, बाबा जी, आइए मैंने पाटो ठीक दबाई ने बांधे यहाँ, समझो के सर जी। बात है जी, काले पाछे आओ जो। हाँ आओ जाओ जी। चलिए रानी माँ, तो आज पहुंच भी गई हूँ मैं, तो सिर्फ इसलिए रुक गया कि अब एक मिनट भी आप लोगों को छोड़ने को जी नहीं चाहता। दशहरे के कुछ दिन बाकी हैं, मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी मेरे साथ चलें। हम लोग नहीं जा सकते। आप समझी भी, हमारी रियासत में दशहरा बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है और रानी माँ ने खास तौर पर आप लोगों को दावत दी है। हाँ, ये तो हमारे लिए इज्जत की बात है, हम जरूर चलेंगे। जी नहीं बाबूजी, इस वक्त हमारा जाना बिल्कुल नामुमकिन है। क्यों बेटी? शायद आप भूल रहे हैं, माँ का श्राद्ध बहुत करीब है। ओह, ये तो मैं भूल ही गया था, तब तो हमारा जाना नामुमकिन है। अच्छा, अब इजाजत दीजिए। गिरने का बहाना कर रहा हूँ, तुम लोग जोर से शोर मचाओ। तो मैं गिर गया। शायद
शायद मेरे पांव की हड्डी टूट गई है, मुझे अस्पताल ले चलो। योर हाइनेस, आपको इस बेड से हिलने की राय नहीं दूंगा, क्योंकि हड्डी का मामला है, सर्जन को यहीं बुलाना चाहिए। लेकिन यहाँ मेरी वजह से राय बहादुर साहब को तकलीफ होगी। कैसी दिल तोड़ने वाली बातें कर रहे हैं आप, मेरे लिए तो इज्जत की बात है कि आप यहाँ रहे हैं, आप इसे अपना घर नहीं समझते? ये बात नहीं राय बहादुर साहब, मगर मेरे स्टाफ का क्या होगा? आप बिल्कुल बेफिक्र रहे हैं, आपका सारा स्टाफ यहाँ आ जाएगा, और आपकी राय हो तो हुरमत जी हड्डी वाले को बुलाऊं? यहाँ के डॉक्टरों पर मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं, हमारी रियासत से डॉक्टर बुलाइएगा। सरकार, हुरमत जी हिंदुस्तान का बहुत बड़ा हड्डी का माहिर है, आपकी रियासत से बुलावा आता है उनके लिए। बचपन में गीता के पांव की हड्डी उसने ऐसी जोड़ी कि आज तक डॉक्टर हैरान है। भाई तुम जाकर जल्दी टेलीफोन करो, हड्डी का मामला है, देर करना अच्छा नहीं। अच्छा, आप इत्मीनान रखिए, यहाँ आपको किसी तरह की तकलीफ नहीं होगी। अरे भाई ठीक से बोलो ना। अजीत साहब, मैंने आपसे अर्ज किया ना कि हुरमत जी किसी मरीज को देखने गए, जरा वक्त लग जाएगा, आप बैठिए। हेलो हेलो हुरमत जी, मैं राय बहादुर बोल रहा हूँ, आप फौरन चले आइए, प्रिंस विनोद के पांव की हड्डी टूट गई है, प्लीज। मैं गीता को गाड़ी लेकर भेज रहा हूँ। साहब किसका फोन है? बड़ी मुसीबत हो गई है, हुरमत जी की टांग टूट गई है, वो बड़े सड़क के किनारे पड़े हैं। हड्डी जोड़ने वाले की हड्डी टूट गई, जल्दी करो। गीता हूँ, पहचाना नहीं मुझे? जब मैं बच्ची थी तो आप ही ने तो मेरे पाँव की हड्डी जोड़ी थी, याद आया? अरे दिख रही तुम्हें केटली बच्चे नहीं तो गया छे। हरमत जी मुझे आपकी मदद की जरूरत है। आ सो बच्चे का बता गया छे, आ जो ट्रबल यहाँ नहीं हरमत जी, ट्रबल तो घर पर है, वो बाबूजी ने आपको टेलीफोन किया था ना। दरअसल बात ये है कि प्रिंस की हड्डी वड्डी तो कुछ टूटी नहीं है, वो सिर्फ मुझे परेशान करने के लिए सारी ढोंगबाजी कर रहा है। आ सो तुम्हें परेशान करे छे? हाँ, कहता है मुझसे शादी करना चाहता है। शादी? वो सब मैं आपको बाद में बताऊंगी हुरमत जी, लेकिन अब आप मेरे साथ चलिए और उस प्रिंस को ऐसा ठीक कीजिए, ऐसा ठीक कीजिए कि वो जिंदगी भर याद। डेफिनेटली चलिए। दिख रही तुम्हें डूल डूल के चले थे, हमारे साथ चलने। आदावर्दे हुरमत जी, मेहरबान सोना, यहाँ पहचाना नहीं आपने? तशरीफ लाइए, आप हैं विनोद प्रिंस। क्यों दिख रहा तुम्हें? सो सही, मेरा नाम प्रिंस विनोद है। तो मेरा नाम प्रिंस है, बोल दिख रहा प्रिंस, तुम्हें सो सही बोल नहीं? शायद मेरा पांव की हड्डी टूट गई है, लेकिन आप सिर्फ दवा लगाकर पट्टी बांध दीजिए, कोई दवा है? डोंट यू वरी, दवा तो एक एम छे कि तुम्हें भी याद कर सो कि कोई हरमोन की हो तो। जो हूँ लपड़ो से यही बताता है, अब क्या कर रहे हैं? जो छू तुम्हें कहो तो नहीं, जो कैसे मदद है आप, जरा सी तकलीफ नहीं सह सकते? आप देखिए हरमोन जी, हड्डी नहीं भी टूटी होगी तो अब टूट जाएगी। आप तो मर्दों का नाम डुबो रहे हैं सरकार, कैसे बताऊं? इस बुड्ढे का हाथ है या हथौड़ा, न जाने क्या खाता है। तो मैं बहुत ही नाजुक छो, अब वेरी डेलिकेट छो, लेट मी सी। Hurmuzi, 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 Hurmuz
क्या करना होगा हरमत जी? जमीनी ऊपर हरजी चढ़ी गई थी। आम बहुत कम वापर से आया। मुझे कुछ भी नहीं हुआ। योर हाइनेस तुम्हें पागल हो गए सो? तू चला पंचे और तुम्हें उबसा सो जा। हरमत जी बहुत दर्द हो रहा है। इनके आज डोंट यू वरी अबे दर्द कम कहीं जाते। इतना एहसान मुझ पर और कीजिए कि आज रात आप यहीं रह जाइए। एम के सारा बड़ू आप हूँ बुड्ढो मानस छू और रात में मैंने डेस तो नहीं पानी नो गिला उठा भी नहीं सकते। आज एलिमेंट था इसे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, इनको जाने दो। इनके यहाँ रहने से हम लोगों को बहुत ढारस रहेगी। मैं आपको दुगनी फीस दूंगा। समय मैंने सो समझो छो फीस नहीं मटे आगे लो तो हम निजरी नहीं सेंटीमेंट में पसी गया। तो इसी की खातिर ठहर जाइए, रात में न जाने क्या ऊंच नीच हो जाए। और मसीह मेरा रिश्ता बड़ा नाजुक। ओनली ऑन वन कंडीशन, आज डिग्री मारो देखभाल कर से। ये हर वक्त आपकी खातिर में हाजिर है। इनके अब माने बहुत भूख लगे थे। पाने वाले पानी गए।
लगता है ऐसा पाके तुम्हें, दुनिया है जैसे पांव तले। शाम है अपनी अपनी सहर, आ हा 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 हा, कैद से पंछी छूट गए, दूर हुआ सयाद का डर, प्यार की मौज में डूबते दो दिल आज किनारा पाए गए, प्यार की राह बहार की मंजिल, प्यार की राह बहार की मंजिल, पाने वाले पाए गए। हजूर, बहुत बुरी खबर है, राजेश ने हुरमजी बनकर हमें धोखा दिया है। व्हाट? वो और गीता बग्गी में घूम रहे हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाकर राजेश को मारकर गीता बजा लो। और सुनो, ये बात राय बहादुर साहब को नहीं मालूम पड़नी चाहिए। गेट आउट। ये घोड़ा चलाना। कल रात दीवान जी आए थे। हाँ? मैंने जो जाफरान के शरबत में कंद घोल कर पिलाया तो अंदर की सारी बात बाहर। क्या बात बाहर? महारानी और प्रिंस दोनों को लड़की पसंद है मियाँ। रात ज्योतिषी से कुंडली दिखवा रहे हैं। तो अभी से इतने खुश क्यों हो रहे हो? देखो भगवान की क्या मर्जी। तुम्हें अंग्रेजी सरकार में पैसे भरकर टाइटल लेने के सिवा और कुछ आए ही नहीं। अरे भगवान की मर्जी का फैसला भी दीवान को एक मोतियों का हार देकर कर लिया है। अच्छा? हाँ। ये लो चाय बच्चो। ये बच, मैं अंदर आ सकता हूँ? समझते काम ले, समझ लड़की का मामला। आओ आओ मियाँ, तशरीफ लाओ, आओ बैठो। ओके का शौक रखते हैं? जी नहीं शुक्रिया। बेटी, आपके लिए चाय शरबत भिजवाओ कुछ। मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। हाँ, शौक से शौक से। फरमाइए। मेरी गुस्ताखी माफ कीजिएगा, मेरी तालीम तरबियत विलायत में हुई है। मेरा ख्याल था कि हिंदुस्तान में लड़कियों को तालीम के साथ साथ उनके माँ बाप ने इस बात का हक दे दिया होगा कि वो अपने जीवन साथी का फैसला भी खुद ही कर ले। इसी ख्याल से मैंने गीता से शादी की दरख्वास्त भी कर दी, लेकिन गीता की खुशी ये है कि मैं पहले आपसे इजाजत ले लूँ। माशा, हम तुम्हारी सादत मंदी से बहुत खुश हैं, लेकिन मियाँ गीता की शादी प्रिंस विनोद से तय हो चुकी है। शायद आप लोगों को मालूम नहीं कि प्रिंस विनोद बहुत ही अय्याश आदमी, मैं ये रिश्ता कभी नहीं होने दूंगा। मुझे गीता से बहुत प्यार है। बंद करो अपनी जुबान, और खैरियत चाहते हो तो इसी वक्त मेरे घर से निकलो। साथ जाते, तुम गलती कर रहे हो। ये रिश्ता गीता की खुशी और मर्जी से हो रहा। जी नहीं, आप लोग गीता को दौलत के हाथों बेच रहे हैं। अगर अब भी गीता की खुशी के लिए आप लोगों ने अपना फैसला न बदला तो मुझे ये फैसला जबरदस्ती बदलवाना पड़ेगा। मेहरबख्श, मैं इसे गोली मार दूंगा। बड़ी बदनामी हो जाएगी। माफ कीजिएगा, आप कहाँ जा रही हैं? इसका क्या मतलब? मतलब यह है कि आप बहुत भोली हैं और अपने भोलेपन में कभी कभी ऐसी बातें कर बैठती हैं जिससे हमारा दिल टूटने लगता है। वैसे आप पे कोई पाबंदी नहीं, घूमने फिरने को दिल चाह रहा हो तो सेवक हाजिर है। शुक्रिया। तो, इसका क्या है? ये राय बहादुर का ही मकान है ना? जी हाँ। तो हटो रास्ते से। जी हाँ क्या कर रहे हो? बगैर हुक्म और तलाशी के अंदर जाने की इजाजत नहीं है। हुक्म तलाशी ये सब क्या है? जी हाँ, महाराज कुमार का हुक्म है अंदर आने वाले की तलाशी लीजिए। आप बुरा मत मानिए। जी नहीं, मैं बुरा नहीं मानूंगा, लेकिन इस बुढ़ापे में अपने दोस्त के दरवाजे पर तलाशी भी नहीं दूंगा। उनसे कह दीजिएगा कि मैं आया था। खुदा हाफिज़। मान सिंह,
क्या मामला है? कौन आया? मेहरबख्श साहब आए थे, हमने तलाशी लेनी चाहिए, वो बुरा मानकर चले गए। मेहरबख्श की तलाशी? वो तो अपने आदमी है। महाराज कुमार का हुक्म है कि सभी की तलाशी लीजिए। बाबूजी, ये हमारे लिए शर्म से मर जाने वाली बात है कि हमारे ही घर में चाची जी की तलाशी ली जाए। उन लोगों की ये हिम्मत, जी चेहरा एकाध का खून कर डालो। हाँ, हुआ तो बहुत बुरा, लेकिन तू क्यों परेशान होती? मैं खुद जाकर मेहरबख्श से माफी मांग लूंगा। आप विनोद से माफी क्यों नहीं मांग लेते? क्या क्यों नहीं देते कि आप हमारी जिल्लत से बर्दाश्त नहीं कर सकते? इसमें प्रिंस का शायद कोई कसूर नहीं है, ये गलती उसके सिपाहियों की। बाबूजी, आप नहीं जानते, ये सब विनोद की हरकतें हैं। वो ऐसा नीच आदमी है कि हमें उससे कोई वास्ता नहीं रखना चाहिए, उसे जलील करके घर से निकाल देना चाहिए। गीता, मैं रानी माँ को तुम्हारी शादी का कॉल दे चुका हूँ, उसे कभी नहीं तोड़ सकता। लेकिन बाबूजी, तुम्हारी शादी विनोद के साथ ही होगी। माँ, मैं हरगिज नहीं होने दूंगी। मैं उस जलील आदमी से शादी हरगिज नहीं करूंगी। मेरी शादी तो उसी दिन हो चुकी थी जब भगवान ने मेरी मांग में राजेश के खून से सुहाग का सिंदूर भर दिया था। गीता, जवाब दो गीता, कि मेरी आरज़ूएं मुझको तुम्हारा सपना नहीं दिखा रही है, बल्कि मेरे प्यार की तड़प तुम्हें यहाँ खींच लाई है। हाँ राजेश, आज मैं दुनिया का हर बंधन, हर रिश्ता तोड़कर तुम्हारे पास चली आई हूँ। अब मुझे एक पल के लिए भी जुदा ना करना, मुझे अपनी दासी बनाकर जिंदगी भर अपने चरणों में रहने देना राजेश। मेरे प्यार का अपमान मत करो गीता। इस वक्त मुझे ऐसा लगता है जैसे मुझे सारी दुनिया मिल गई है, जैसे मेरे प्यार की ताकत ने मुझे भगवान बना दिया है। ऐसा कहना पाप है राजेश। नहीं गीता, अगर प्यार भी भगवान का एक नाम है तो ये पाप नहीं, पूजा है, पूजा। ठीक है। जी, मैं आपके पास एक अर्ज लेकर आया। अर्ज वर्ज मैं सब कुछ समझ गया हूँ, तुम्हारे जैसा बेशर्म तो नहीं, लेकिन तुम्हारी उम्र का तो था ही एक जमाने में। बहरहाल जी, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि सीधी बात तुम हमारी सुन लो। खुदा ने हमें औलाद से महरूम रखा है, लेकिन बखुदा अगर अपनी कोई औलाद होती तो हम अपनी गीती की खुशी पर उसे कुर्बान कर देते। लेकिन चाचा जी, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि बहुत बकबक सुन चुका तुम्हारी, अब हमारी सुनो। हमने बड़े नाजों से पाला है इसे, रह गए तुम्हें हम जानते नहीं। तुम्हारी हरकतें हमने देखी, लेकिन अच्छा हुआ कि पुलिस ने नहीं देखा, और आज हमारी बेटी तुम ही को हमसे मांग रही है। मगर जब एक बार हम धोखा खा चुके हैं तो तुम पर भरोसा कर कैसे सकते हैं? अब बोलो, क्या बोलना चाहते हो? चाचा जी, आप अपने भरोसे के लिए मेरी मोहब्बत का इम्तिहान लेना चाहते हैं? मैं उसके लिए भी तैयार हूं। ये तो दिल चीर के दिखा दूंगा। अरे भाई, ये क्या कर रहे हो? यहाँ कोई शीरी फरात की नौटंकी हो रही है। भाई, मैं अल्लाह वाला आदमी हूँ। तो फिर बताइए कि आप अपने भरोसे के लिए क्या चाहते हैं? भाई देखो, मैं अभी तक बावजूद हूँ, मैं फाल निकालता हूँ। अगर मेरे परवरदिगार की मर्जी हुई तो मैं अभी राय बहादुर को बुलवा कर तुम दोनों की शादी करवा देता हूँ, और अगर उसकी मर्जी नहीं हुई तो तुम दोनों हमेशा हमेशा के लिए अलग। बोलो, मंजूर है? मुझे मंजूर है। लेकिन गीता, राजेश, और राजेश, अगर ये सच है कि मोहब्बत भी खुदा का ही एक नाम है तो हमें डरने की क्या जरूरत है? बस आओ, चलो मेरे साथ आओ। बैठ जाओ। अब अपनी अपनी आंखें बंद करके अपने अपने खुदा का ध्यान।
मेहरू दोस्त। चाचा जी शायद पिताजी आ गए। तुम दोनों यहीं बैठो, मैं भी आता हूं। दोस्ती का गुनहगार, दोनों हाथ बांधकर अपने दोस्त से बेइज्जती की माफी मांगने हाजिर हुआ हूं। मेहरू, जान की अमान पाऊं तो अंदर कदम रखूं? आप मालिक, तशरीफ लाइए। सिर्फ अर्ज इतनी है कि मेहरू कहकर न पुकारिए, क्योंकि ये लफ्ज अपनी गुजरी हुई जिंदगी की बड़ी पाकीजा यादगार है। आपके मुंह से जब ये लफ्ज निकलता है तो उस दोस्ती की तौहीन होती है। फरमाइए क्या हुक्म? हुक्म यही है कि इसी तरह दिल पर नश्तर लगाए जाओ जब तक मेरी आंखों से खून के आंसू न टपक। हुजूर, मेरी ये मजाल, मैं तो आपके दर का पुराना नमकवार हूं। कहां मैं एक अदना दलाल और कहां आप महाराज कुमार प्रिंस विनोद के ससुर। मैं तो दोस्ती के भरम में अपनी हैसियत भूल गया था। आपने बहुत अच्छा किया जो एक चोर की तलाशी लेकर उसकी औकात याद दिला दी। मेहरू, मेहरबख्श, जी भर के सलील कर लो। मेरी गर्दन में जिल्लत का तौक तो उसी दिन पड़ गया था जब मेरे घर में बेटी पैदा हुई। मेहरू, अगर महारानी को कॉल देकर बेटी न हार चुका होता तो विनोद को बहुत बेआबरू करके घर से निकाल देता, लेकिन बेटी से मजबूर हो गई। दोस्त, इस वक्त तुम अपने पैर की जूतियां भी उतार कर मारोगे तो सर झुका रहेगा, मगर जब तुम्हारे दिल का गुबार कम हो जाए तो एक बार बचपन की दोस्ती की खातिर गले जरूर लग जाना। खबरदार, जो मुझे दोस्त कहा, दोस्त कहना चाहते हो तो दोस्ती का हक अदा करने की हिम्मत पैदा करो। मांगू तुमसे दोस्ती का हक, चुका सकोगे? गीती की कसम मेहरू, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि जिंदगी में एक ऐसा खुश नसीब दिन भी आएगा। मांगो, क्या मांगते हो? लेकिन एक शर्त, तुम्हें दोस्ती की कसम, दोस्त की जिंदगी से कुछ कम न मांगना, वरना दोस्ती की आन मिट जाए। मैं दोस्त की जिंदगी से भी बड़ी चीज मांगूंगा। मैं अपनी बेटी की शादी उस प्रिंस विनोद से नहीं करूंगा। मेहरू, मैं महारानी जी से कॉल हार चुका हूं, और तुम तो जानते हो कि मैं उस खानदान से हूं जिस खानदान में सर हारते हैं कॉल नहीं हारते। लेकिन तुम मुझे भी कॉल दे चुके हो। बेशक मैं कॉल जरूर हारा हूं, लेकिन वो हक कहां से दूं जो मैं पहले दान कर चुका हूं। गीती उनकी हो चुकी है मेहरू। राय बहादुर, गीती विनोद से प्यार नहीं करती, बल्कि सच तो ये है कि प्रिंस विनोद भी गीती को प्यार नहीं करता, बल्कि वो उसे जबरदस्ती उठा ले जाना चाहता है। हमें गीती की शादी उस आदमी से करनी चाहिए जिसके साथ वो खुश रहे, जिसे वो प्यार करती है, और जो आदमी उसे हमसे ज्यादा प्यार करता है। मालूम होता है तुमको भी उस दलील ने बहका दिया है। राय बहादुर साहब, वो दलील नहीं, फरिश्ता है। हमने उससे दुश्मनी की, हमने उस पर जुल्म किए, हमने उसकी बेइज्जती की, लेकिन जब हमारी इज्जत उसके हाथों में आई तो वो उसे सही सलामत पहुंचाने के लिए हमारे घर हाजिर हुई। तो क्या वो भी यहां मौजूद है? जी हाँ, वो गीती को लेकर गीती की भीख मांगने के लिए हमारे घर आया, और हम उसके इस एहसान का बदला उसकी शादी करके ही चुका सकते हैं। मेहरबख्श, तुमने दोस्ती के मुंह पर तमाचा मारा। कहां है गीता? खबरदार, अब आगे कदम नहीं बढ़ाना। वो दोनों मेरी हिफाजत में, मैं फाल निकाल कर उन दोनों कौल दे चुका हूं। जानते हो फाल में क्या निकला है? परवरदिगार की मर्जी और उनकी सलामती। मैं उन दोनों की शादी किए बगैर उन्हें इस घर से रुखसत नहीं कर सकता। मेहरबख्श, गीती महारानी की अमानत हो चुकी है, और उनकी अमानत उन्हें सुपुर्द करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। हटा मेरे हाथ से। दोस्त की लाश पर से गुजरे बगैर तुम अपना कौल नहीं पूरा कर सकते। दोस्त, उठाओ तलवार और कर दो इस जिस्म के टुकड़े टुकड़े। तुम्हारा कौल भी पूरा हो जाएगा और मेरी बात भी रह जाएगी।
तलवार चलाना है तो हमारी गर्दनों पर चलाइए, न हम रहेंगे न आपके कॉल न हमारे प्यार पर दो ऐसे दोस्तों के खून का कलंक। मेरे सर पर खून सवार, छोड़ने की थी कहा। ये दो सच्चे दिलों के प्यार का बंधन है, ये आपकी तलवार से कट सकता है, जुदा नहीं हो सकता। मैं कहता हूं छोड़ दे, छोड़ दे। बेटा कहां चली गई थी आप? खैरियत तो है? चेहरे का रंग उतरा हुआ, आंखें भीगी भीगी, कुछ हमें भी तो मालूम हो। अगर सुनना ही चाहते हो तो सुनो, मैं अपना घर बार सब कुछ छोड़कर राजेश के साथ हमेशा के लिए जा रही थी, इसलिए कि मुझे उससे प्यार है और तुम्हारी शक्ल से नफरत है, नफरत। ये सुनकर तो मेरा प्यार और भी बढ़ गया। हम वो मजनू नहीं जो दिल का सौदा दिल से करते हैं, हम तो शिकारी आशिक हैं। शिकार जितना ही हमारे जाल में तड़पता है उतना ही उसे हासिल करने में हमें मजा आता है। तुम मेरी जान ले सकते हो लेकिन हासिल नहीं कर सकते। ये आपकी भूल है, मैं तो आपको हासिल कर चुका हूं। यह हम पर आपका कर्तव्य है। ये तुम्हारा टिकट है। मंगलवार को शाम की 6 बजे की गाड़ी से तुम घोटी स्टेशन पहुंच जाना। और गीता? उसकी फिक्र तुम मत करो, उसी दिन उसकी मां का श्राद्ध है, वो मंदिर आएगी, मैं वहीं से अपनी कार में उसे बिठाकर उसी गाड़ी के जनाने डब्बे में बिठा दूंगा। बेटा तुम दोनों का यहाँ एक साथ देखा जाना अच्छा नहीं है, तुम दोनों घोटी स्टेशन पर मिल जाना और देवता के मंदिर में जाकर अपनी शादी कर। चाचा जी आप सचमुच फरिश्ता हैं चाचा। मेरी दुआएं तुम दोनों के साथ हैं बेटा। घोटी स्टेशन चलो जल्दी। अच्छा जी। कल वह मुझे खंडर पर छोड़कर चला गया, मैं गीता को वहां तलाश करता रहा और ऐसे हम दोनों हमेशा हमेशा के लिए बिछड़ गए। अच्छा बाबू अब तो आराम करा।
किसने मुझे सदा दी, किसने मुझे पुकारा, आवाज देने वाले आवाज दे दोबारा।
गीता! मैं यहाँ हूँ राजे। कहाँ तुम नजर क्यों नहीं आती हो गीता? यहाँ तुम्हारे पीछे। मैं मर चुकी हूँ राजे। विनोद को हमारी सब बातों का पता चल गया था। श्राद्ध के दिन जब मैं सबकी नजरें बचाकर मेहरू चाचा के साथ स्टेशन जाने के लिए मंदिर से निकली और जो ही गाड़ी में बैठी, याद है मेरी जान, एक दिन मैंने कहा था जिस चीज पे भी हम नजर डालते हैं उसे हासिल करके ही रहते हैं। हमारे जाल में शिकार तड़प सकता है, बचकर निकल नहीं सकता। मेरे जीते जी तुम राजेश की नहीं हो सकते। तुम मुझे मार के भी राजेश से जुदा नहीं रख सकते। मैं मर के भी उसे ही रहूंगी। अगर उस तक ना पहुंच सकी तो मेरी भी उस तक ना चलेगी। और इस तरह मेरी रूह ने तुम्हें पा लिया। लेकिन तुम अपने सुलगते हुए जज्बात पर काबू ना रख सके। तुम मोहब्बत में पागल होकर मुझको हासिल करना चाहते थे, मुझको अपनी बाहों में लेना चाहते थे। तुम नामुमकिन को मुमकिन बनाना चाहते थे राजेश, जो कभी नहीं हो सकता। मुझे छोड़ के मत जाओ गीता, तुम जहां जाओगी वहीं मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। मेरी दुनिया अलग है, तुम्हारी दुनिया अलग। मेरे और तुम्हारे दरमियान जिंदगी और मौत की दीवारें खड़ी हैं राजेश, हमारा मिलन नहीं हो सकता। गीता, जब मौत तुमको मेरे पास आने से न रोक सकी तो जिंदगी मुझको तुम्हारे पास आने से कैसे रोक सकती है? और अगर जिंदा रहकर मैं तुम्हें पा न सका तो मर कर तुम्हें पालूंगा गीता, मर कर पालूंगा। खुदकुशी करना पाप है राजेश। तुम्हारे बगैर जिंदगी बसर करना इससे भी बड़ा पाप है गीता। ऐसा मत करना, तुम्हें अभी जिंदगी में बहुत से काम पूरे करने हैं। तुम्हें उस हत्यारे विनोद का नाश करना है जिसने हमारे प्यार की हत्या की है, ताकि वो फिर कभी दो मोहब्बत करने वालों को इस तरह जुदा ना कर सके जैसे हम दोनों को जुदा किया है। वो देखो, विनोद आज भी किसी शरीफ लड़की की इज्जत लूटना चाहता है। सुना था जिसकी मौत जिस जगह लिखी होती है वो खुद ही वहां चलकर आ जाता है। तूने ये भी सुना होगा कि जिसकी मौत जिस घड़ी लिखी होती है उस घड़ी को ये दरवाजे भी नहीं रोक सकते। का फैसला भी कर देता। मैंने तुझे भी मार डाला।
गिरफ्तार किए जाते हो। साज हो तुम आवाज हूँ मैं, तुम भी ना हो मैं हूँ तार। साज हो तुम आवाज हूँ मैं, तुम भी ना